पूरा रमज़ान में एक जहन बना हुआ होता है कि फ़करा की, गरीबों की हमने मदद करनी है, ज़कात के हवाले से करें, सदक़ात के हवाले से करें, लोग करते भी, उनको सहरी करवाते, इफ्तार करवाते। ईद के दिन हम किस तरह मसाकीन की मदद कर सकते हैं कि उनकी भी ईद हो जाए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हुवल क़ादिरु हुवल हक़्क़ु हुवल मुईन। देखें, ईद अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से एक अजीम तोहफ़ा है जो माह रमज़ान की इबादात के बाद अल्लाह ने तोहफ़तन उम्मत मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता फ़रमाया। खुशी का दिन है, मसर्रत का दिन है, मुबारकबादी का दिन है, तो हमें ये भी कोशिश करनी चाहिए कि हम अपने माशरे में महब्बतें आम करें, खुशियाँ आम करें, मसर्रतें आम करें। जहाँ तक गुरबा, फ़ुकरा और मसाकीन का ख्याल रखने की बात है, तो हमारी ज़िंदगी में चाहे रमज़ान हो चाहे गैर रमज़ान हो, चाहे कमी हो चाहे ज़्यादती हो, हर मौके पर गुरबा, फ़ुकरा और मसाकीन का ख्याल रखना चाहिए। और इसका बुनियादी तौर पर ताल्लुक़ है दिल के साथ, कि अगर आपके दिल में रिक्क़त है तो आप किसी भी हाल में हों, किसी भी कैफियत में हों, ये हो ही नहीं सकता कि आप अपने आसपास मौजूद इंसानों के दुखों को नज़रअंदाज कर दें या पसे पुश डाल दें। अब ईद का मौका चूँकि ख़ास तौर पर ख़ुशी का मौका होता है, उमूमी तौर पर जो मुतवस्सित तबका है या मालदार तबका है उनके यहाँ आम दिनों में भी अच्छा अहतमाम होता है, ईद की तैयारी भी बहुत अच्छी तरह हुई होती है, और मतलब असबाब भी मौजूद होते हैं। अब कई ऐसी फैमिलीज़ होती हैं कि जहाँ पर बच्चों के नए कपड़े नहीं बने होते, कई ऐसी फैमिलीज़ भी होती हैं कि जहाँ पर ईद के दिन भी खाने का अच्छा अहतमाम नहीं होता, तो अगर आपकी तरफ से उनके घर पर ये तमाम चीज़ें पहुँच जाएँ तो ये उनके लिए एक बहुत बड़ी नेमत होती है। तो ईद के दिन भी ख़ास तौर पर जैसे फितराना अदा किया जाता है, उसका मकसद भी ये होता है कि गुरबा को कायम किया जाए। अभी आप देखें, दिलसोज जो वाकया हुआ कराची में, एक बहन ने अपने 3 बच्चों के साथ जो छलांग लगाई, उसकी वजह क्या थी? घर में गुरबत थी, शौहर बीमार था, तो उसको कोई और रास्ता ना मिला और उसने एक इकदाम किया, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन उनकी जान बचा ली गई। तो ईद के मौके पर कम अज़ कम चंद चीज़ें मैं बता देता हूँ। 1, मेरे घर में जो कुछ बना तो मैं घर वालों को ऑर्डर कर दूं कि जी आपने 10 बंदों के बजाय 20 बंदों का खाना बनाना है, वही चीज़ बन रही है, आप सारी चीज़ों की मिकदार बढ़ा लीजिए। अब वो जो 10 अफराद का जायद खाना बना वो मैं गुरबा के घर पे भिजवा दूं तोहफतन। इसी तरह मीठा मैंने ख़रीदना है अपने घर के लिए, मैं 1 किलो मिठाई ख़रीद रहा हूँ, मैं 2 किलो ख़रीद लूँ, जो 5 किलो ख़रीद सकता है वो 5 किलो ख़रीद ले, अपने घर के लिए 1 किलो रखे, बकिया 4 किलो जो है वो गुरबा के घरों पे पहुँचा दें। मैं ईदी दे रहा हूँ, मेरे मतलब बहन के बच्चे आए, भाई के बच्चे हो गए, दीगर रिश्तेदार हो गए, तो मैं ख़ास तौर पर, देखिए नेकी वो है, एक नेकी की तारीफ़ ये भी है कि जो किसी के चेहरे पर खुशी की मुस्कुराहट बिखेर दे, ये नेकी है। तो आप ईदी तकसीम कर रहे हैं तो अपने महल्ले के अंदर अपने दोस्तों के बच्चे, ख़ास तौर पर जो गुरबा के बच्चे हैं उन्हें ईदी दें।